गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा बसपा पर हमला बोला। वहीं गठबंधन को बताया कि दो डीलरों गुटों के मिलन का गठबंधन हुआ है, ये दोनों दल डीलर हैं। इस समय गठबंधन के नाम पर तथाकथित लोग एकत्र हो रहे हैं, वे भी डीलर हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को टिकटों का डीलर बताया और कहा जो परिवारवाद के खिलाफ बसपा को हमेशा सोचती रहती थी वो आज खुद परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है और अपने भतीजे को उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रही है। मजबूत सरकार वर्सेस मजबूर सरकार की बात मायावती ने अपने पीसी में कहा था। मोदी जी ने देश को पूरी दुनिया के सामने देश को मजबूत स्थिति में खड़ा किया है। संबित पात्रा ने कांग्रेस को मदर्स सोर्स ऑफ ऑल मिडिलमैन कंपनी कहा। वहीं राम मंदिर मुद्दे पर संबित पात्रा ने कहा कि राम मंदिर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मंदिर बनेगा, भाजपा चाहती है कि जल्द से जल्द मंदिर बने। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सेना ने करारा जवाब दिया है, आज पूरी तरह से सेना का हाथ खोल दिया है, उधर से गोली आएगी तो गोले से जवाब दिया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा। डॉक्टर संबित पात्रा जी पेशे से सर्जन हैं, MBBS MS भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बाबा गोरक्षनाथ की पावन तपोभूमि पर मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि सीधे मीडिया के साथियों से संवाद स्थापित करें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो आरंभ में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि यहाँ पहुँचने में मुझे विलंब हुआ और उसका कारण आज दिल्ली में भयंकर कोहरा था। कोहरा छटा और उसके पश्चात विकास की गति के साथ विमान आगे बढ़ा। तो ये कोहरा छटना, भ्रांति की कोहरा को छटा देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसी भ्रांति के कोहरे को हटाने के लिए आज ये प्रेस वार्ता हो रहा है। मैं इस गोरखपुर के पावन भूमि को, मंच पे मेरे जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं उन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आप सभी का नमन करता हूँ। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने आज रखने वाला हूँ। 2019 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है, राजनीतिक रण सज चुकी है। 2019 में देश का प्रधान सेवक कौन होगा और जो बाकी विध्वंसक दल हैं वो किस प्रकार से अपनी गतिविधि कर रहे हैं, इस सब की चिंतन चल रही है। बंधुओं, अगर एक वाक्य में कहना हो 2019 के लड़ाई के विषय में, तो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहूंगा और बहुत ही सरल भाव में कहूंगा कि ये लड़ाई लीडर्स और डीलर्स के बीच में है। एक पक्ष में एक लीडर खड़ा है और दूसरे पक्ष में खड़े हैं कई डीलर्स जिन्होंने हिंदुस्तान को बेचने की कसम खा रखी है। जो लीडर है उसका नाम श्री नरेंद्र मोदी है। जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेते हुए यह लीडर लगातार काम कर रहा है, मैं कहना चाहूँगा PM का अर्थ केवल प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। पी से परफॉर्मेंस, पी से परिश्रम और M से मेहनत अर्थात हार्डवर्क होता है। एक परिश्रमी प्रधानमंत्री जिन्होंने विगत 5 वर्ष में हिंदुस्तान के आकार को, स्वरूप को, हिंदुस्तान में विकास के गति को आगे बढ़ाने का काम किया है, ही इज द लीडर। और वहीं दूसरी ओर ये जो तथाकथित लोग गठबंधन, महागठबंधन इत्यादि के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं, अगर एक शब्द में इनको परिभाषित करना हो तो वो शब्द है डीलर्स। वेरियस स्कैम्स के माध्यम से, बहुत सारे स्कैम्स के माध्यम से, भ्रष्टाचारी गतिविधियों के माध्यम से किस प्रकार से देश के डीलिंग कर सके वो, इसी में वो लिप्त रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पावन भूमि में हूँ, 325 सीट का ऐतिहासिक मैंडेट लेकर यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। यहाँ भी 3-4 दिन पहले हमने देखा है इसी प्रकार के दो गुटों का मिलन हुआ, उन्होंने उसे महागठबंधन कहा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह भी दो डीलरों का मुलाकात है। किस प्रकार से, आज के अखबार को आप खोलेंगे तो आज के अखबार के हेडलाइन में क्या चल रहा है, आज के अखबार के हेडलाइन में है कि जो डीलर नंबर 1 अखिलेश यादव, जिस समय वो खनन मंत्री थे 2012 से 2013 के बीच, किस समय उस समय खनन को लेकर डीलिंग की गई और आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो PMLA के माध्यम से FIR दर्ज करा रहा है। शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से घोटाला किया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, CBI को जांच सौंपी गई,
और आज FIR तक होने की नौबत आ गई है। अखबार यह बताते हैं कि अखिलेश यादव जी से पूछताछ भी हो सकती है, मैं अखबारों के माध्यम से बता रहा हूं, अखबारों ने बताया है ये। तो आप बताइए ये अखिलेश यादव जी की डीलरशिप थी कि नहीं, उत्तर प्रदेश के खनिजों को बेचना, यह उनकी डीलरशिप चल रही थी। जब पकड़े गए, जब FIR हो गए हैं उनके खिलाफ, तो वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, डीलर रो रहा है। दूसरी ओर एक ऐसी पार्टी है जो डीलिंग करती है, वो अपने पार्टी के अंदर ही डीलिंग करती है, देश को बेचने का तो काम करती ही है, अपने पार्टी के अंदर भी डीलिंग करती है, टिकटों की डीलिंग। एक भी टिकट अगर किसी को वितरित करना है तो बिना पैसे के वो टिकट वितरित होती ही नहीं है, उसकी डीलिंग होती है। मायावती जी के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना है, आदरणीय मायावती जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपने देखा था, आप सब तो प्रेस के बंधु हैं, उन्होंने आपके सर पर ही कल ठीकरा फोड़ दिया और कहा चूंकि आप लोगों ने झूठ और भ्रांति फैलाया इसलिए वो अपने परिवारवाद को बढ़ावा देंगे, एन एक्सक्यूज फॉर प्रमोटिंग फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स, और ये सारा एक्सक्यूज आप लोगों के सर पे फोड़ दिया है क्योंकि आप लोगों ने उनके केक को दिखा दिया, आप लोगों ने शायद उनके कुछ बर्थडे के केक को दिखाया था, क्योंकि आपने केक दिखाया अब वो अपने भतीजे को राजनीति में ले आएंगी और अपने भतीजे को जो है अपने उत्तराधिकारी के रूप में वो सारा कुछ सौंप देगी भविष्य में। तो इस प्रकार की डीलिंग होती है देश के राजनीति के साथ। और तो और, जिस प्रकार से अपने भाई के माध्यम से उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुख समृद्धि की डीलिंग की है, भाई आज खरबपति बना हुआ है, भतीजे के जूते के विषय में चर्चा मीडिया में हो रही है, मैं कह रहा हूं मीडिया में हो रही है, अरे क्यों हो रही है, अरे करोड़ों लोगों को आज आवश्यकता है कि विकास के माध्यम से उनके जीवन को परिवर्तित किया जाए, जो कि मोदी जी कर रहे हैं, और यहां अपने आप को बुआ भतीजा कहने वाले जो डीलर्स हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, जब आज उनके खिलाफ केस चल रहा है तो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। बंधुओं, आज तक आपने कभी देखा है कि आदरणीय मायावती जी या अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अचीवमेंट के विषय में बता रहे हैं? कभी नहीं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कौन केक खा लिया है, हमारे जूतों के विषय में किसने कमेंट किया है, मीडिया क्या न्यूज दिखा रही है, यह महत्वपूर्ण है। इतने वर्षों तक आपने उत्तर प्रदेश में शासन किया, क्या अच्छा किया उत्तर प्रदेश के लिए, इसके विषय में बोलना चाहिए। ये दो डीलरों के विषय में तो बताया, मगर डीलर्स ऑफ ऑल डीलर्स, सभी डीलरों के जो डीलर हैं, जिसका नाम मैं डी कंपनी रखता हूं, डी कंपनी का मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, डी कंपनी मतलब दलाल कंपनी, सभी दलालों की जो बिल्कुल मातृ कंपनी है, द मदर सोर्स ऑफ ऑल मिडलमैन, दैट इज द कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी को इन दोनों डीलरों ने पीछे छोड़ दिया है। डीलरों के अंदर लड़ाई मची हुई है सत्ता के लिए, तो कांग्रेस को दरकिनार किया हुआ है, और ऐसे में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक कंफ्यूज्ड पार्टी के रूप में बिहेव कर रही है, नेपथ्य में खड़े होकर चीयर लीडर का काम कर रही है, वो समझ नहीं पा रही है कि समाजवादी पार्टी और बसपा तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बोफोर्स का भी जिक्र कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का भी जिक्र कर रहे हैं, और वहीं चीयर लीडर्स का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, खुद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होने के लिए वो अपनी आत्मदहन तक करने को तैयार है, यह परिस्थिति आज कांग्रेस पार्टी की है। बंधुओं, मजबूत सरकार वर्सेस मजबूर सरकार, ये जो मजबूर सरकार ये शब्द है, इस शब्द का गठन खुद आदरणीय मायावती जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और कहा कि भारतवर्ष को एक मजबूर सरकार चाहिए, जहां मोदी जी नित अपने विषय में रखते हैं कि भारत को एक मजबूत सरकार चाहिए, और इसी मजबूती का नतीजा है कि आप देख रहे हैं आज भारत एक विश्व शक्ति बना हुआ है। आप बताइए बंधुओं, क्या भारत को मजबूर सरकार चाहिए? कर्नाटक में हम देख रहे हैं मजबूरी का नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के मजबूरी में रो रहे हैं और कह रहे हैं मुझे जहर पीना पड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं और उन्होंने मुझे क्लार्क बना दिया है, चीफ मिनिस्टर के रूप में मुझे देखते नहीं है। क्या इसी प्रकार की मजबूरी भारतवर्ष को 2019 में चाहिए? कतई नहीं। बंधुओं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आगे से हम लोगों को जब विपक्षियों के विषय में बात करते हैं तो विपक्षी दल PM की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी ना कहे, आगे से वो प्रधानमंत्री की चटाई कहे, क्योंकि कुर्सी में तो एक आदमी बैठ सकता है। जिस प्रकार की इन डीलरों की नियति दिखती है, ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की चटाई हो, इस चटाई में एक कोने में मुलायम सिंह जी, एक जगह अखिलेश जी, एक जगह मायावती जी, एक जगह चंद्रबाबू नायडू जी, एक जगह ममता बनर्जी, और चटाई के चारों तरफ गोल गोल राहुल गांधी घूमते नजर आएं कि उन्हें भी कहीं स्थान मिल जाए तो वो बैठ जाए।
इस प्रकार का मजाक बना के इन्होंने प्रधानमंत्री के पद का रखा हुआ है। सभी कोई यहां महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, कोई देश की हित की चिंता नहीं कर रहा है। बंधुओं, जहां तक ये महागठबंधन का सवाल है, मुझे तो हिंदी पिक्चर की वो पुरानी गीत जो पहली नुमा गीत है वो याद आता है, तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। साउथ में एक गठबंधन, जम्मू कश्मीर में एक गठबंधन, ईस्ट में एक गठबंधन, वेस्ट में एक गठबंधन, उत्तर प्रदेश में कुछ और गठबंधन, ये कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, कौन किसके साथ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर एक बात बिल्कुल तय है, स्टेज पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होने वाले स्टेज के पीछे किस प्रकार से छुरी एक दूसरे के पीठ में खंजर भोंकेंगे उसकी चिंता करते हैं। कल बंगाल में आप देखिएगा, ये सब फोटो अपॉर्चुनिटी करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाएंगे और वहीं किस प्रकार से राजनैतिक रूप से एक दूसरे को पॉलिटिकली समाप्त किया जाए और कैसे अपने आप को आगे रखा जाए, यही चिंता करेंगे, कोई देश की चिंता नहीं करता है। और अंत में मैं आज इस मंच पे से और गोरखपुर की पावन भूमि से, जहाँ से यहाँ के मुख्यमंत्री भी आते हैं आदरणीय योगी जी, मैं योगी जी को तो धन्यवाद दूंगा ही, और साथ में जिस प्रकार का एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण लाके, इससे पूरे भारतवर्ष में एक हर्षोल्लास का माहौल है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा हुआ वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, सबको लेकर चलने की ये जो कवायद मोदी जी ने की है, ये अपने आप में एक स्वर्णिम अक्षर में इतिहास में लिखा जाएगा। और आज मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में ये निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश अब इस 10% रिजर्वेशन का पालन आरंभ करेगा। गुजरात ने किया, उत्तर प्रदेश ने किया। हम चैलेंज करते हैं उन राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस द्वारा चलायमान सरकार है, वह भी इन जन कल्याण नीतियों को अमली जामा पहनाए, वह भी इन जन कल्याण नीतियों को जमीन पर उतारने का काम करे। हम देख रहे हैं आयुष्मान भारत के साथ कुछ राज्य कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। बंगाल आयुष्मान भारत चलने नहीं दे रही है, गरीबों का लाभ नहीं होने दे रही है। उड़ीसा आयुष्मान भारत चलने नहीं दे रही है। जहां मोदी जी गरीबों की चिंता कर रहे हैं, वहीं ये जो तथाकथित महागठबंधन है जिनको मैंने डीलर्स कहा है, ये डीलर्स केवल और केवल अपने लिए डीलिंग कर रहे हैं, देश की चिंता नहीं कर रहे हैं। बंधु, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कोई सवाल आपके पास हो तो अवश्य पूछें। सर, एक सवाल हमारा है कि ये उन्होंने कहा, भैया जी जोशी ने कहा है कि 2025 के पहले मंदिर का निर्माण नहीं शुरू होगा, 25 से शुरू होगा, तो क्या मतलब जनता को मायूस होना पड़ेगा, ये दूसरी बार अगर आप सरकार बनाते हैं तब भी राम मंदिर नहीं बनेगा? देखिए, जहां तक राम मंदिर का सवाल है, मैं आज बहुत पावन भूमि में खड़ा हूँ और खुद जहाँ का सबसे महत्वपूर्ण विषय है उत्तर प्रदेश में हूँ। मंदिर के विषय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने एक वक्तव्य में कहा था, मंदिर के विषय में अभी जो हमारा नेशनल काउंसिल हुआ उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने भी विस्तार में विषय को रखा। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम मंदिर के लिए कमिटेड है, कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती थी और सदैव चाहती रहेगी कि एक भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो। उसके लिए 1989 के पालमपुर अधिवेशन में हमने संकल्प लिया था, उसी संकल्प के साथ, उसी जोश के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कोर्ट में किस प्रकार से यह विषय जल्दी से जल्दी आगे बढ़े इसकी चिंता हमने हमेशा किया है। मगर वहीं कुछ ऐसे लोग हैं कि कोर्ट में व्यवधान डाल के राम मंदिर के विषय में रोड़े डालना, उसे अटकाने की चेष्टा की जा रही है और वो लोग हमें उल्लाहना देते हैं। यही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है, यही कांग्रेस पार्टी जिसके कपिल सिब्बल जाके कोर्ट में कहते हैं कि 19 के बाद सुनवाई होनी चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी जिसके वकील जाके कोर्ट में व्यवधान डालते हैं, वो हमें चिढ़ा रही है, वो हमें उल्लाहना दे रही है। यह समाजवादी पार्टी जिसके नेता ने कहा था कि अभी तो 16 को मारा है, आवश्यकता पड़े तो 40 को गोली से उड़ा दूंगा, वो हमें पूछ रहे हैं मंदिर कब बनेगा। ये BSP जो चाहती नहीं है मंदिर बने, वो हमें किस मुंह से पूछ रहे हैं मंदिर कब बनेगा। हम राम के भक्त हैं, भारत के भक्त हैं और ये आस्था का विषय है, इस आस्था को पूर्ण भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। राम मंदिर के मुद्दे को कोर्ट में कांग्रेस के वकील लटका रहे हैं, तो क्या बीजेपी के वकील उनके अगेंस्ट बहुत हल्के हैं क्या, ऐसा क्यों कहा? नहीं, देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट करूं, बीजेपी का कोई वकील नहीं होता है क्योंकि बीजेपी इसमें पार्टी नहीं है। जहां तक कांग्रेस के वकील अटका रहे हैं, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है,
कपिल सिब्बल तो कांग्रेस के ही वकील थे, और एक शब्द होता है लॉबी। कांग्रेस एक बहुत बड़ी लॉबी में एक हिस्सा है, और ये सारी जो लॉबी है ये चेष्टा करती है कि किस प्रकार भारत के आत्मीयता के ऊपर, भारत के आत्मा के ऊपर, भारत के आस्था के ऊपर लगातार कुठाराघात होता रहे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने लॉबी के माध्यम से हर जगह प्रयास करती है कि राम मंदिर के विषय को पीछे रखे। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि युद्ध नहीं है लेकिन फिर भी सीमा पर सैनिक मर रहे हैं क्योंकि हम अपना काम ठीक से नहीं। देखिए, आज अभी मैं खबर देख रहा था कि किस प्रकार हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को एक जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, और किस प्रकार कई पाकिस्तानी जो उनके सैनिक है उनको मार गिराया है। देखिए, हिंदुस्तान की सेना है, हिंदुस्तान की सेना पूरे विश्व की सबसे बलशाली सेना है, और जिस प्रकार से विगत 5 वर्षों में हिंदुस्तान की सेना ने जवाब दिया है पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो अपने आप में बहुत बड़ा करारा जवाब है। वो पूरे विश्व को एक मैसेज जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया है, हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से उरी के पश्चात बदला लिया गया। पहले वो सर काटते थे, आज वो डरते हैं, उनके बंकर उड़ाए गए। सबसे बड़ी बात है कि पहले जब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती थी उस समय हमारे आर्मी को खुली छूट नहीं थी कि वो रिटेलिएटरी जवाब दे सके, मगर आज नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी के हाथों को बांधा नहीं है, पूरी तरह से आर्मी के हाथ को खोल दिया है कि वहाँ से गोली आएगा तो यहाँ से गोले से जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से भारत की सेना देती है और देना जानती भी है। धन्यवाद बंधुओं, और पुनः मैं आपका बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने सुबह से प्रतीक्षा की।